क्वेश्चन नंबर टेस्ट का बेटा बात करें कौन सा है, फोर्थ। उसने क्या पूछा बताओ, व्हाट इज द बेटा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो डायमेंशन फॉर्मूले पे बेटा बात करें, क्वेश्चन याद करके जाओ, है ना, डायमेंशन फॉर्मूले का क्वेश्चन याद करके अपन को जाना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, इंडक्टिव रिएक्टेंस की कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपकी कॉपी में नोट्स में कुछ और तो नहीं है फॉर्मूला, मतलब एग्जाम के उसमें पेपर में। तो यहां लिखा है बेटा बात करें, एल की बात करना है, एल की बात कर रहा है कि एक्सएल की, एल की बात करें कि एक्सएल की, एल की बात कर रहे हैं, एल है बेटा बात करें, समझ पा रहे हो, एल बोले उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एल एक्सएल, तो एक्सएल है रियल में वो, समझ पा रहे हैं। इसको बोलते क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते बेटा बात करें, अब गुड़िया आपको याद होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, या गुड़िया बात करें हमारे पास क्या हो, इंडक्टिव बेटा बात सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, या गुड़िया बात करें हमारे पास नॉर्मल रेजिस्टेंस हो, क्या हो, या इन तीनों को गुड़िया बात करें जोड़ते हैं तो क्या हो, इंपीडेंस हो, क्या हो बेटा बात करें, तीनों को मिला दें तो इंपीडेंस बनता है कि नहीं बनता है। आरएलसी सर्किट में तीनों के रेजिस्टेंस को अपने ओवरऑल सॉल्व किया था, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला था बताओ, इंपीडेंस, रेजिस्टेंस बिल्कुल, रजिस्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टर का बेटा क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और तीनों के रिजल्टेंट को बोले तो क्या बनता है, इंपीडेंस, क्या बनता है, इंपीडेंस। अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आ गया कि बेटा तीनों है क्या, तीनों हो चारों, ये क्या रेजिस्टेंस है, करंट के फ्लो का अपोज करने की टेंडेंसी है। तो छोटी सी बात है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, सबका एक ही है, चाहे आप जेड का बोलो, चाहे गुड़े बात कर आप किसका बोलो, एक्सएल का बोलो, चाहे बेटा बात कर आप किसका बोलो, एक्ससी का बोलो, चाहे बेटा बात कर आप किसका बोलो, आर का बोलो, नॉन रेजिस्टेंस का, सबका क्या होता है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, माइनस टू होता है बेटा, ए माइनस टू, एम एल टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। रेजिस्टेंस बोलो, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस बोलो, इंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलो, इंपीडेंस बोलो, प्रतिबाधा इंपीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात, ये कोई कटप्पा बहुगुणी मूवी नहीं चली, प्रतिघात, ठीक है। तो इंडक्टिव गुड़े बात कर रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात, ठीक है, गुड़े बात कर, और प्रतिरोध, जैसे बड़े बड़े वर्ड लगते उनको इनके देख के पिक्चर बनती है, ठीक है, प्रतिरोध अटैक चलता रहता है सब। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। अच्छा, ये निकाला दी थी मैंने वहीं से था, कुछ याद है, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, अब आई आर की जगह बी बराबर आई एक्स एल, बी बराबर आई गुड़े जेड, बी बराबर आई एक्स सी है, तो वही ना चीज। तो बताओ आर रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बेटा बात करें, पोटेंशियल अपॉन करंट, और आपको पता है बेटा बात करें वोल्टेज क्या होता है, कुछ आपको याद है ना, वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन बेटा बात करें फॉर ब्रिंगिंग बेटा यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफिनाइट टू गुड़े बात करें एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आगे किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफिनाइट से बेटा बात करें, पता है कहां से, इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, तो वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, और नीचे साथ में क्या आ गया, करंट, क्या आ गया, और बेटा बात करें वर्क डन तो आपको अच्छे से पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन बेटा बात करें क्या, चार्ज इनटू करंट। अब निकाल दो, इन सब के बारे में तो आता है आपको कि नहीं आता है, फोर्स का क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, अब अभी ये भी नहीं आता है महान भावों को, तो फिर कुछ और भी कुछ बोल सकते हैं, है ना, ये तो आता है ना फोर्स का, फोर्स एनर्जी तो अपन को रटे हुए हैं, तो एम एल टी माइनस टू ये गुड़े बात के फोर्स का होता है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, एल होता है, डायमेंशन फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई, चार्ज का क्या होता है बेटा बात कर, चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चार्ज क्या होगा, आई इंटू टी आ गया, तो गुड़े अपने लिखा आई इंटू टी इंटू आई, अब बताओ आई क्या है यहाँ पर, करंट, करंट का होता है एम्पियर, तो टोटल अगर देखा जाए बेटा बात को, टी क्या है, टाइम, तो टाइम का टी आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ऊपर क्या बचा है, एम, एम तो सिंगल ही एम रहेगा, एल कितना बेटा, एल वन, एल वन याद है, बेस सिमिलर तो पावर जुट जाएगी, इसकी पावर, इसकी पावर, एल टू, टी कितना बेटा, टी ऊपर है माइनस टू और एक नीचे टी है, नीचे टी है ना ये, तो ये प्लस से ही ऊपर जाके माइनस हो गया, तो टी माइनस थ्री, बुरे बात कर, नीचे करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसका एम्पियर, इसका एम्पियर, ऊपर जाके क्या हो गया, ए माइनस टू, अरे आया कि नहीं आया, ये आ गया। लेकिन अगर कोई पूछता कि नहीं नहीं पोटेंशियल का क्या होता है, पोटेंशियल का अगर देखे गुड़िया बात करें तो क्या आ जाएगा, इस एम्पियर को छुपा लो, क्योंकि अलग से था ना एम्पियर, तो हमारे पास यहाँ पर तो केवल भी का, इस आई को छोड़ दो, एक आई को तो सारा भी का ही है, इस आई को अगर मैं छुपा लू तो सब कुछ किसका है, भी का ही है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा। पोटेंशियल का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन,
वो पोटेंशियल का है, पोटेंशियल वर्क डन एनर्जी कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंडक्टिव रेजिस्टेंस ये हमें सब चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बुढ़े बात करें इनको याद रख लो बेटा, रेजिस्टेंस का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, वोल्टेज का होता है मतलब पोटेंशियल का होता है एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन। समझ पर बस एक ए को क्या करना है, गुड़े बात के इसके अंदर रियल में अपन को बोलते हैं माइनस का है तो कम कर दो, ऐसे बोलो कि एक 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 पावर कम कर दो, किसमें कम करना है माइनस में, मतलब वो रियल में एक पावर बढ़ा रहे हैं आप, प्लस का बढ़ा रहे ना, तो इसमें अगर माइनस टू तो इसमें क्या करना है माइनस वन करना है। ठीक है, आप चाहो तो सी का भी निकाल सकते थे, बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, सी बराबर क्या होता है क्यू बराबर सी भी, क्यू बराबर सी भी, तो सी बराबर क्या आएगा क्यू बाय भी आ जाएगा। अरे आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अब क्यू का क्या होता है बेटा बताओ हमारे पास, आई टी, आई टी मतलब क्या है एम्पियर और जल्दी बोलो एम्पियर और टाइम, टाइम का टी आएगा, और आपने इसका क्या पढ़ा भी, भी का एम एल टू टी माइनस थ्री याद है, और ये माइनस वन, ये दीदी एम ऊपर पहुंच गया, क्या लिखा आपने एम माइनस वन, एल बेटा बात कर नीचे है ऊपर जाके एल माइनस टू, टी माइनस थ्री है दीदी बात ऊपर जाके प्लस हो गया, तो प्लस वन और प्लस थ्री कितना हो गया प्लस फोर, टी फोर, ए प्लस वन है माइनस वन है, माइनस वन ऊपर जाके प्लस वन हो गया ए टू, एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, ये कैपेसिटर का है, किसका बेटा बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस का बेटा डायमेंशन फॉर्मूला क्या है एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए टू, तो समझ में आ रहा है? तो ये तीनों कम से कम मुझे रटे हुए चाहिए, या तुम्हें निकालते आ जाए एट ए टाइम पर, या फिर तुम रट को रखो सीधा, है ना, क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपको याद आ गया, कर लोगे डायमेंशन फॉर्मूले, है ना, एक ना एक बेटा बात करे पूछेगा जरूर वो। अच्छा नेक्स्ट, कंसिडर द बेटा बात कर टाइटली बाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ बेटा बात करे क्या 1 एम्पियर। ठीक है, अगर एक टाइटली बाउंडेड बेटा बात करे क्या 100 टर्न की कॉइल है, मतलब बार बार लपेटे लगे हैं उसके ऊपर, उसका रेडियस कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ बेटा बात कर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द बेटा बात करे क्या मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, तो मुझे इस कॉइल के सेंटर पे मैग्नीट्यूड चाहिए किसका मैग्नेटिक फील्ड का। अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें पैदा हो रही इसके अंदर क्यों, क्योंकि आप करंट वेरिएबल करंट फ्लो करा रहे हैं, तो आपने हमेशा कहा था कि बेटा बात करें मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है वेरिएबल करंट, और वेरिएबल करंट का सोर्स कौन है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, तो जहां वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहती है। क्वेश्चन नंबर की बात करें 5, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है, देखो गुड़िया कुछ कंडीशन ऐसा है जैसे अगर अपन देखना चाहें ये एक कॉयल है, अब इसके ऊपर बेटा बात क्या एक टर्न ही चाहिए मुझे, कितना टर्न चाहिए बोलो बताओ 100 टर्न, एक टर्न दूसरा टर्न तीसरा टर्न चौथा टर्न पांचवा टर्न और ऐसे कितने टर्न हो गए 100 टर्न। अब गुड़े बात करिए सेंटर है, सेंटर ओ है, तो इस पर मुझे सेंटर पे क्या चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गुड़े बात करें तब चाहिए जब इसके अंदर बेटा बात करें क्या हो रहा है आई करंट का फ्लो हो रहा है, बात समझ पा रहे हो। अब आपको अच्छे से पता होता है कि अगर करंट देखना चाहे जैसे उसने करंट डायरेक्शन आपको नहीं बताई है तो आप कोई भी मान लो जैसे मैंने उसको पूरे क्लॉकवाइज मान ली, अब आपको पता अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना इसके सेंटर पर तो आपको पता अपन को क्या करते बेटा बात करें थंब और कर्व फिंगर लो लगाते राइट हैंड, तो जहां पूरे बात करें आपके करंट का फ्लो है करंट के फ्लो की डायरेक्शन में कर्व फिंगर ले लो, क्योंकि कर्व डायरेक्शन में हो रही ना करंट का फ्लो, तो अंगूठा जहां जा रहा है वो पूरे आपके मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने अंगुलियों को पूरे बात करें पता है किसकी डायरेक्शन में ले रखा है बताओ बेटा बात करें कर्ल फिंगर को बुढ़े बात का करंट के डायरेक्शन में ले रखा है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पे जो आई आएगा वो कितना दे रखा है बेटा बात करें जल्दी बोलो 1 एम्पियर, क्या दे रखा है 1 एम्पियर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा बात करें वो कहां जा रही है अंगूठा कहां जा रहा है अंदर जा रहा है, समझ पा रहे मतलब कहां जा रहा है बताओ आउटवर्ड बेटा की इनवर्ड ऑफ प्लेन, इनवर्ड ऑफ प्लेन मतलब प्लेन के अंदर की तरफ, मतलब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी अंदर होगी, मतलब क्रॉस बनेगा, क्या बनेगा क्रॉस मतलब अंदर डॉट मतलब बाहर। ठीक है, अच्छा इसके सेंटर से बेटा बात करें पता है इसकी जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है आर, आर मतलब क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इस लूप की रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर मतलब क्या है 0.1 मीटर, क्या दे रखा है 0.1 मीटर, करंट दे रखा है रेडियस दे रखा है बुढ़े बात करें नंबर ऑफ टर्न दे रखे, नंबर ऑफ टर्न कितने बेटा बात करें 100, कितने टर्न दे रखे 100 टर्न दे रखे, यहां पे 100 टर्न ही बुढ़े बात करें पता है इसके अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो अपने लिखा था पूरा याद है कुछ म्यू नोट पूरे बात करें एन आई अपॉन टू आर, क्या बोल सकते बेटा बात के म्यू नोट एन आई अपॉन टू आर पूरे बात करें। ठीक, अब आप कैपिटल आर लेना है मैंने स्मॉल आर लिया तो आप स्मॉल आर उठा लो,
म्यू नोट की वैल्यू बेटा बात करें क्या होती है, पता ही है अपन को कितना होता है, 4π × 10⁻⁷ यूनिट बोले जरा क्या है, यूनिट बोले जरा क्या है, यूनिट चाहिए मुझे, यूनिट मुझे चाहिए, जैसे आपको बताया ना बेटा बात, ये क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक परमिबिलिटी और फ्री स्पेस, जैसे अपन ने ई नोट को पढ़ा था मैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक बेटा बात करके परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ बेटा बात करके फ्री स्पेस है, इसकी जो वैल्यू तो यूनिट तो होगी ना उसकी, कुछ आपको यूनिट नहीं आएगी तो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकाल पाओगे, निकाल कुछ जल्दी फटाओ मुझे क्या है, इसी फॉर्मूले में अगर मैं आपसे पूछूं तो नहीं पता क्या, म्यू नोट की वैल्यू निकाल ली है, टू बेटा नंबर है इसकी कोई यूनिट नहीं है, एन नंबर इसकी कोई यूनिट नहीं है, आर को इधर पहुंचा दो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, तो टेस्ला आ गया, आर ऊपर चला गया, टेस्ला इंटू मीटर अपॉन बेटा बात करें एम्पियर, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, ये इसकी यूनिट आ गई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, तो छोटी सी तो बात बेटा बात करें, टेस्ला इंटू बुढ़े बात करें क्या, मीटर अपॉन एम्पियर, पर एम्पियर है एम्पियर इनवर्स, ये चीज अपन को चाहिए, जो चीज अपन भूल रहे हैं वो चीज अपन को बार बार चाहिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये तो हमारे पास आ जाएगा, तो अच्छा नंबर ऑफ टर्न कितने देर की थी, 100, यूनिट तो होती नहीं है, करंट कितनी देर की थी बेटा, 1 एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर, देखो निपट गया गुड़िया, अरे निपटा कि नहीं निपटा, ठीक है, अल्टीमेटली टेस्ला बचेगा, क्या बचेगा बेटा, टेस्ला, क्योंकि आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, अपॉन क्या था नीचे साथ में, 2 × बेटा बात करें क्या था, आर, आर कितना दे रखा था, 0.1 मीटर, याद है मीटर से मीटर आगे ना केवल टेस्ला, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की बात क्या है वो टेस्ला में आ गई, पर कितनी आई वो आप उठा के देख लो, जैसे अगर अपन देखें 0 पॉइंट, पॉइंट उड़ा दो बेटा, पॉइंट उड़ा दो तो ऊपर एक 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं हो पाएगा, ठीक है, 2 से बेटा बात करें किसको उड़ा दो बेटा बात करें, 4 को उड़ा दो तो कितना आ गया, 2 आ गया, नियरली कितना आ गया, 2π × कुछ और बचा क्या, 2π, 10 की पावर बेटा बात करें 1 और 2 3 था, तो 10 की पावर 3 से माइनस के 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 10 की पावर -4 टेस्ला, इतना आंसर है, 2π के टर्म में दे रखा कि नंबर के टर्म में दे रखा है, अच्छा तो सीधी बात खोल दो इसको, पाई की वैल्यू क्या, 3.14 है ना बेटा, तो 2 × 3.14 × 10⁴, इसका मतलब है गुड़े बात का 6.28, डबल कर दो सीधा, 6.2 × 10⁴ टेस्ला, ये मेरा आंसर है, क्या बेटा बात कर, आंसर ये मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, 6.28 × 10⁴ टेस्ला, ये आंसर आ गया, तो ये तो सब मैच किया ही होगा आपका आंसर, क्वेश्चन सही था ये अपना, टेस्ट में सही था क्या, बहुत बढ़िया, मतलब इस चीज को गुड़े बात कर आपको खास कर याद रखना है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, लेकिन कहीं अगर बेटा बात करे पता है, जैसे उसने बोल दिया बेटा बात करे कि नहीं नहीं अगर ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, लूप नहीं है, हाफ लूप है, क्या लूप है, हाफ लूप, तो सीधी बात है गुड़े, अगर हाफ लूप है तो मैग्नेट फील्ड बेटा बात कर हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अगर मैग्नेट फील्ड हाफ होगी तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, μ0 ni/4r, क्या लिख दोगे, μ0 ni/4r, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये अपन को चाहिए, ठीक है, इसको उठा के देखो फटाफट, सीधी बात है हाफ लूप हो, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा बात करेगा हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप है, सर्कुलर की जगह क्या है, सेमी सर्कुलर लूप, नहीं समझ पा रहे केवल इतना, तो इसके बेटा बात करें हमारे पास जो सेंटर है यहाँ पे, अब गुड़े बात करें यहाँ पे अगर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा सेंटर वो कितनी होगी, टोटल गुड़े सर्कुलर लूप का आधी हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, μ0 ni अपॉन गुड़े बात करें क्या, 2r, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2r का आधा, आधा मतलब आधे का मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 = 4 आ गया, तो μ0 ni अपॉन क्या आएगा बेटा बात करें, 4r, ये आपको खास कर याद रखना है ना, ये तो एनसीईआरटी ने पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछ ले तो अच्छा, अदरवाइज कोई दिक्कत है ही कहाँ, ठीक है, तो ये कृपया करके जरूर याद रखो, उसमें एनसीईआरटी ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे जरूर, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन है ये, ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट। अच्छा इसकी यूनिट क्या लिखी है पीछे बेटा बात करें अपन ने, टेस्ला, क्या लिखी है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है, ठीक है, टेस्ला याद रखो।